अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीशा और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़्यादा चटपटी बीफ की कढ़ाई लेकर आई हूँ। तो इस कढ़ाई के लिए मैंने ये बीफ लिया है, इसको मैंने रखी छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। अगर आप बीफ की जगह अगर आप मटन लेना चाहते हैं तो आप मटन की इस तरह से छोटी बोटियाँ कर लें, और अगर आप चिकन लेना चाहते हैं तो चिकन की इस तरह से आप छोटी बोटियाँ कर लें। इस तरह से मैंने छोटी छोटी बोटियाँ करके इसकी बीफ की, और मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। और अब इसके बाद मैंने ये देखें ऑयल गर्म किया कढ़ाई में। अब इसमें जो मैं बोटियाँ डाल देती हूँ, ये देखें ये मैंने सारा गोश्त में डाल दिया। अब जो गोश्त की बोटली से पानी निकलेगा इसी पानी में ये अच्छे से गल जाएगा। गोश्त जब ये पानी जल जाएगा और फिर ऑयल रह जाएगा तो फिर इसमें मैं और चीज़ें ऐड करूँगी और वो चीज़ मैं आपको भी दिखाती हूँ। इसको हम ढक कर रख देते हैं ताकि ये सारा पानी इसका जल जाए और ये गोश्त की बोटियाँ अच्छे से गल जाए। ये देखिए इसमें थोड़ा पानी रह गया है और थोड़ा सा पानी इसका जल चुका है। और मैंने अभी चेक की थी इसकी बोटी तो इसकी बैटरी में थोड़ा एक कसर है, मतलब कि अभी थोड़ा सा और इसको पकाने देते हैं ताकि ये अच्छे से गोश्त गल जाए, क्योंकि जब कच्ची बोटी होंगी तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। ये अच्छे से गल जाएगा तो फिर इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्ची इस तरह से काट के, आप इस तरह भी काट सकते हैं और आप इसको गोल भी काट सकते हैं, जैसे एक में से तीन मिर्ची भी काट सकते हैं इस तरह से कट करके, लंबाई में करेंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये इस तरह से बनाना है। और ये दो चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्ची के लिए हैं, अगर आप कम खाते तो आप एक चम्मच ले लीजिए। और ये दो चम्मच मैंने लिए हैं टिक्का मसाला के, और ये हाफ स्पून मैंने लिया है नमक, और ये मैंने हाफ स्पून ली है हल्दी, और ये थोड़ा सा बिल्कुल हाफ से भी कम मैंने ये गरम मसाला लिया है। जब गोश्त का पानी जल जाएगा तो फिर मैं इसमें ये सारी चीज़ें डाल दूँगी और इसको अच्छे से भूनूँगी। ठीक है, अभी ये गोश्त तैयार हो जाए थोड़ा और फिर मैं इसमें ये सारी चीज़ें ऐड करूँगी। इसमें मज़े की बात यह है कि मैं ना इसमें कढ़ाई में बीफ कढ़ाई में ना मैं टमाटर यूज़ करती हूँ, ना ही मैं इसके अंदर दही ऐड करती हूँ, क्योंकि दही डालने से भी थोड़ा सा जायका अच्छा नहीं होता। और मैं तो खालिस बनाती हूँ इसको, तो बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है इसकी बीफ की, वरना दही के साथ तो बीफ की खुशबू इतनी ज़्यादा पता नहीं चलती। तो ठीक है, अब मैं इसको जब डालूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ठीक है, जब तक थोड़ा आप वेट करें। ये देखिए इसका पानी एक हद तक जल चुका है और थोड़ा सा रह गया है, जब पानी बहुत थोड़ा सा रह जाए इसे हाफ कप, फिर आप इसमें ये सब चीज़ें ऐड कर दीजिएगा, सारी चीज़ें एक साथ डाल दें इसमें। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, ये सब चीज़ें इसमें डालकर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसको हम बिल्कुल हल्की आँच पर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए और अच्छे से जो कसर गोश्त की बोटियों में रह गई है बीफ में, क्योंकि बीफ तो बहुत देर से गलता है, तो जब इसमें थोड़ा हम इसको पका लेंगे ना, इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें मैंने बारीक बारीक सा धनिया काट के डाल देना है। बिल्कुल ये पानी खुश्क हो जाएगा इसका, थोड़ा सा पानी है अभी, थोड़ा सा पानी है हाफ कप जैसा। तो अगर आपको ये मेरी बहुत खुशबूदार सी कढ़ाई पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो जब ये रेडी होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़। अब देखिए गोश्त को पकते हुए पूरे 20 मिनट हो गए थे, तो मैंने इसको देखा, ये देखिए इसका सारा पानी जल चुका है और ये रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इसमें ज़रा भी पानी नहीं है, ठीक है, इसका पानी सारा जला देना है, उसके बाद ही ये बहुत मज़े का बनेगा वरना नहीं। पसंद आया आपको? इसमें तो खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत मज़े का बना है। आप भी इसको ट्राई करिए, चाहे बीफ में ट्राई करें आप, अगर आप मटन खाते हैं तो मटन में ट्राई करें, अगर आप चिकन खाते हैं तो चिकन में, जिसमें भी बनाएंगे उसमें इसी तरह से आपने चीज़ें डालनी है जिस तरह मैंने डाली है,
बहुत मज़े का बनेगा, बहुत ही ज़्यादा चटपटा। अगर आप मिर्चे कम खाते हैं तो आप मिर्चे कम थोड़ी डालें, और अगर ज़्यादा डालते हैं तो फिर जितनी मैंने डाली है इतनी डाल लीजिएगा, लेकिन इसमें यही सब चीज़ें डालना जो मैंने डाली हैं। ये बहुत मज़े का बना है, बहुत अच्छा बना है, और जिसको भी ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो, मेरी डिश पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर नया है या जो भी नया मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसी तरह से मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त अच्छी अच्छी डिशेस लेकर आऊँगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं एक और अच्छी और ख़ूबसूरत डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।